Hey guys, what's up? Welcome back to my new episode, Long Drive with Faisu. So guys, सोच रहा था कि बैकड्रॉप बहुत अच्छा लग रहा है तो एक सेल्फी ले लूँ. नहीं यार, आज सेल्फी नहीं लूँगा. आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ. गेस करो क्या. तो गाइज, आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी. प्लीज़ वेलकम डब्बू रत्नानी. हेलो सर. हेलो फैजू. हाय. कैसे हो आप? फिट? एकदम फिट सर. और सर, आपका लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. कोशिश कर रहे हैं. मैंने आपके काफ़ी एपिसोड्स देखे हुए हैं एंड आई रियली एंजॉय दिस. बट थैंक यू सो मच सर, आप आए मेरे शो पे. लेट्स गो. तो वो टाइम पे मुझे बहुत डर लग गया. मैंने बोला ऐसा क्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है. 4 साल के बाद उसमें मैं जो मेरा सैलरी था 1500 रुपये मिलता था. मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन. आई नो. तो कौन सा एक्टर है जो आपको सबसे ज्यादा एटीट्यूड देता है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग है. और बच्चन सर का इतना बड़ा स्टार है ना, आई थिंक उतना ईजी हम लोग को होता है अप्रोच करने के लिए. व्हाट अ सीक्रेट यू हैव नेवर टोल्ड एनीवन. मैंने आई लेफ्ट क्रोर्स ऑफ रुपीज बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि हाय सर, कैसे हो आप? हाय, फिट. आप कैसे हो? एकदम सर मस्त, बढ़िया. आप बहुत अच्छे लग रहे हो. आपका लुक मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है. आपका लुक अच्छा लग रहा है मुझे. एकदम आपके जैसे फिट होना है मुझे. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सबसे इम्पोर्टेंट बात, थैंक यू सर. लास्ट ईयर आपने मुझे अपने कैलेंडर शूट में बुलाया था जी. वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि हमेशा से हम लोगों ने आपको मोबाइल में ही देखा है और हम लोगों ने आपका शूट देखा है. आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शूट करते हो और आपका फोटो बहुत अप्रिशिएट हुआ. बहुत लोगों ने मुझे सर, मुझे आज भी एक्सप्लोर में आता है वो. अच्छा, आज भी एक्सप्लोर में आता है, लोगों को इतना पसंद है. और सर, मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है, टॉक ऑफ द टाउन है. हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट है वो ये है कि हम अपने फोन को हाथ नहीं लगाएंगे, हम सोशल मीडिया को त्यागेंगे. जो आज आजकल डे टू डे लाइफ में डब्बू सर बहुत ज्यादा अपडेट है. आप अपना फोन मुझे दे दो. ओह माय गॉड. नाइस कवर सर. थैंक यू. ये रहा मेरा फोन जी. ना आप आपके फोन को हाथ लगाओगे ना मैं मेरे फोन को हाथ लगाऊंगा. हमने यहाँ रख दिया है. okay. अगर आपने लगाया तो आपको मिलेगी पनिशमेंट, मैंने हाथ लगाया तो मुझे मिलेगी पनिशमेंट. क्या है पनिशमेंट मेरी? पनिशमेंट ये है सर कि आपको मेरा शूट करना पड़ेगा फोन से. अरे वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगा यार. It'll be my pleasure to shoot you. Thank you so much sir. Thank you so much. फोन ऑफ कर दो सर. आप इतने सालों से टॉक ऑफ द टाउन में हो, आपका जो सोशल मीडिया की जो जर्नी चल रही है अभी जी, तो आपका पीओवी क्या है बाकी सारे फोटोग्राफर्स के लिए? मुझे लगता है जो सक्सेस हुआ है इज बिकॉज उसमें काफ़ी वैरायटी है पिक्चर्स की. कभी फैमिली पिक्चर्स है तो कभी वर्क पिक्चर्स है तो कभी बीटीएस है तो कभी रील्स है. सो आई फील दैट जितना वैरायटी और जितना पर्सनलाइज कर सकोगे वो ज़्यादा लोग रिलेट करते हैं. आई थिंक खाली 8-10 फोटोग्राफर हो गए जो लोगों फेस से पहचानते हैं. आई एम वन ऑफ दोस फेसेस के हाँ हाँ ये डब्बू है क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ है कैमरा के आगे. अगर आपको वो सक्सेस चाहिए, अगर आपको वो नोटिसबिलिटी चाहिए कि आप लोगों आपके साथ कनेक्ट कर सके, सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो समटाइम. क्या बात है सर. मेरे को एक चीज़ जानना है जी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है बट आपकी ये जो फोटोग्राफर की जर्नी है आप इस बारे में आप थोड़ा सा बताओगे? तो मुझे एक्चुअली चाइल्डहुड से गैजेट्स पसंद थे. अगर कुछ ख़राब हो जाता है या कुछ मुझे इसको एक्सप्लोर करना है तो मैं उसको स्क्रू ड्राइवर डाल के मैं खोलना शुरू कर देता. बल्ब के ऊपर मैं कभी डायरेक्ट लाइट लगा ऑन करके ब्लास्ट कर देता. तो सर वॉज वेरी इंक्विजिटिव के गैजेट के अंदर होता क्या है. तो एक दिन मेरे डैड के कवर में मुझे इनके ड्रॉ में एक कैमरा मिला. मुझे आई आस्क माई डैड कैन आई यूज़ इट. सो यू टू बी केयरफुल, ये थोड़ा महंगा है. ऐसे नहीं कि कुछ को भी खोल के आप अंदर. नहीं, ऐसा नहीं खोलूंगा मैं थोड़ा यूज़ कर देता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ. फिल्म लोड किया, सीखा कैसे लोड करते हैं. और फिर हमारा स्कूल पिकनिक पे जा रहा था तो मैंने वहाँ कैमरा पिकनिक पे ले गया. और उसके बाद जो फोटोज थोड़े डिसेंट आए थे, हम लोग बीच पे गए थे, मैंने ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे किए थे, पर सबको पसंद आए. तो उसके बाद मैं फैमिली फोटोग्राफर बन गया क्योंकि जो भी हम वेकेशन पे जाते थे, जो भी हम कहीं भी आउट ऑफ बॉम्बे जाते थे, हम ऑलवेज मैं कैमरा ले जाता. एंड देन मुझे ये थोड़ा पसंद आने लगा. एंड जो सनसेट शॉट लेता था, बीच पे जाके सनराइज शॉट ले लेता था, पुराने जो रद्दी दुकान पे जाके पुराने फोटोग्राफी बुक्स खरीद के उनपे रेफरेंसेस देख के मैं प्रैक्टिस करने शुरू किया. ये स्कूल की बात है. कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी. और फिर 11th स्टैंडर्ड में जब मैं जूनियर कॉलेज में था तो एक मेरे ब्रदर का फ्रेंड था, वो
घर आया था और उसने उसके कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोज जो शूट किए थे उसने दिखा हमें दिखा रहा था, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, आई सेड आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस मुझे, तो मैंने उनका ही एक पुराना सेकेंड हैंड कैमरा खरीदा, और वो भी मेरे पास पैसे नहीं थे वो टाइम पे, 3,500 का कैमरा था, 3,500 का वो टाइम पे बहुत बड़ी बात है। एंड आई सेड दैट सर तो भी कब का टाइम होगा ये, लेट 80s में, 1980s में, ओह मतलब नहीं भी बोल के 28-30 ईयर्स पहले जी, ज्यादा ही 30 से ज्यादा ही होगा, 30 से ज्यादा ही होगा। मुझे लोन चाहिए था ये 3,500 का, तो मैंने मेरे मॉम से पूछा, मॉम ने बोला शी डिडंट टेल मी, बट मुझे ये बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे ये लोन दिया थ्रू माय आंट, उन्होंने बोला कि एक हमारी आंटी है उनके पास से ले लो, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। एक्चुअली मॉम ने उनको पैसे दिए थे क्योंकि दे वांटेड मी टू रियलाइज कि मैं ये लोन मुझे रीपे करना है, जो वैल्यू है वो पैसे यहाँ आ जाती है, तो मैं ऐसे छोटे छोटे शूट करने लगा, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, एंड आई सो स्टार्ट अर्निंग दैट मनी एंड स्टार्ट रीपेइंग माई आंट, और मैंने एक साल में वो 3,500 उनको वापस दिया, और फिर मैंने बोला मेरे को अभी 1,500 और चाहिए, एक और लेंस खरीदना है मुझे। क्या बात है। तो फिर मैंने मॉम ने बताया इट्स ओके यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि एक्चुअली मैंने ही दिया था, बट आई वांटेड यू टू लर्न के इसको ग्रांटेड नहीं लेने को, कि आप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड टेक इट सीरियसली, एंड आई रियलाइज दैट यू नो इवन नाउ आई टेल माई किड्स, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यंग एज से, यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी, यू रियलाइज के यू नो आपको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए कुछ। और फिर कॉलेज 11th स्टैंडर्ड में एक फैशन शो चल रहा था, हर सीक्वेंस के बीच में हमको ऑडियो विजुअल जो स्लाइड्स लगाने थे जो चेंजिंग के लिए चले जाते हैं 1-1.5 मिनट के लिए, तो इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमको एक फैशन फोटो शूट करना था, तो आई सेड आई विल डू इट, और तब से द जर्नी स्टार्टेड है, क्योंकि उन्होंने उनको वो फोटोज इतने पसंद आए कॉलेज वालों को, इंटर कॉलेज मतलब सब फैशन शोज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ द सिटी वर देयर, तो इतने हजारों लोग मेरे फोटो देख रहे थे, इतने ब्लो अप होके, तो अभी भी गूज बम्स आते हैं सोच के बाद में। सो इट वाज लाइक इट वाज अ हाई फॉर मी, एंड देन मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहा, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको पोर्टफोलियोज करने थे तो मैं उनको वीकेंड्स पे शूट करता था, एंड थोड़ा थोड़ा कमाता था 100-200 रुपये ऐसे, क्योंकि बिकॉज आई हैड टू पे बैक, उनको नहीं लगता था मैं जो रोल का कॉस्ट होता था प्लस प्रोसेसिंग प्लस प्रिंटिंग उन उसमें से 100-150 रुपये एक्स्ट्रा मैं रख लेता था, क्योंकि आई हैड टू पे बैक माई लोन ऑफ माई आंट, यस यस यस, ऑफ माई मॉम। सो द जर्नी केप्ट गेटिंग मोर एक्साइटिंग फॉर मी, एंड देन 12th स्टैंडर्ड में फाइनली आई मेट सुमित चोपड़ा, जो मेरे एक्स बॉस है, मेरे अच्छे दोस्त है अभी, सो ही सेइंग दैट यू नो यू आर माई your brother is my friend, but मैं वो relation से आपको नहीं रख सकता, आप कल आके मेरे को स्टूडियो में मिलिए और मुझे एक्सप्लेन करने दो कि what goes on, आप तो ऐसे परफेक्ट, तो मैं फिर वीकेंड पे सैटरडे को उनके ऑफिस गया मिलने को उनसे, एंड आई टोल्ड हिम एंड आई कांट टेल यू फैजू, जब मैं वो स्टूडियो में एंटर किया, ये बड़े बड़े ब्लो अप्स उन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग करके आए, मैंने एंटर किया, उन्होंने ऐसा काम कभी लाइफ में देखा नहीं था, मैंने बोला ओह गॉड ये क्वालिटी मुझे कभी, व्हेन विल आई एवर रीच दिस, ऐसी क्वालिटी मेरी मैं कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अ बैंड्रा बॉय सडनली कुलाबा में जाके, मैं ट्रेन में गया था चर्च गेट से बस लेके कुलाबा गया था, वो टाइम पे मुझे बहुत डर लग गया, मैंने बोला ऐसा क्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है मेरे, मतलब मुझे आई विल नेवर रीच दिस हाइट के इतना अच्छा पिक्चर्स मैं कभी निकाल पाऊंगा, बट आई उनके वो एक घंटा उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि जब भी आप मेरे को ज्वाइन करेंगे मिनिमम 3 साल आपको कमिट करना पड़ेगा, सो आई सेड डन, तो आपने किया? हाँ, तो मैंने बोला कि सुमित कन्फर्म आई विल कम, आई कॉल्ड हिम, आई सेड एग्जाम खत्म हो गया, आज खत्म हुआ है, मुझे कल से ज्वाइन करना है, इसने अच्छे टाइम पे फोन किया सर, क्यों इसने कल का कॉल टाइम 5 AM है कुलाबा में। तो मुझे बैंड्रा से बस लेके बैंड्रा स्टेशन से फिर आपको कुलाबा, फिर कुलाबा चर्च गेट स्टेशन, और वहां से फिर आपको मतलब 2.5 घंटे का ट्रैवल। तो मुझे सुबह 3 बजे निकलना था उधर, वहाँ 5 बजे पहुँचने के लिए, तो वापस कब आते थे? टाइमिंग कभी फिक्स नहीं रहता है ना, कभी भी मतलब वो आपको मालूम है कभी भी। हाँ, हाँ, राइट राइट। तो 5 o'clock यू रीच द स्टूडियो, और सर ये 3 साल के लिए था ना। हाँ, तो कल मतलब शूट्स का टाइमिंग अलग है, कभी सुबह 5 बजे तो कभी रात को 2 बजे, मतलब कुछ अभी फिक्स नहीं है। सो ही सेड यू विल रीच, आई सेड आई विल बी देयर, एंड 4:55 में पहुंच गया उनके स्टूडियो, एंड मैंने उनको कॉल किया घर पे, बोला कि आई हैव रीच्ड, शी सीम वेरी इंप्रेस्ड, आई नेवर थॉट के
क्योंकि अपना फ्रेंड सर्कल था ना, तो उन्होंने लगा कि ये थोड़ा सा आराम से पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा या सीरियसली नहीं लेगा, इसलिए आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। ऑल द फोटोग्राफर्स आल्सो हु आर वाचिंग, कि जो आप ऑन द सेट सीखते हो वो आपको फोटोग्राफी स्कूल नहीं सिखा सकती। जो आप एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको लोगों के साथ बात करना है, डीलिंग करना है, प्रोडक्शन करना है, मेकअप वालों से, हेयर ड्रेसर्स, मतलब सुमित के साथ लिटरली मैं वेंट एज अ बॉय और चार साल के बाद आई केम बैक एज अ मैन। और मेकअप, और ये भी मैं कहूँगा कि जो मेरे जो असिस्टेंट्स है लास्ट 5-6 साल में, वो एक साल भी नहीं टिकते हैं, उनको लगता है कि 6 महीने में हम सीख गए। आजकल के लोगों को, बच्चों को ना थोड़ा पेशेंस कम है, और उनको मतलब सब कुछ लाइक मुझे उसका वाइब अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे कुछ उल्टा की तो लग रहा था। मैंने बोला कि मैं आपको 1-2 दिन देखूंगा काम पे, उसके बाद मैं कंफर्म करूंगा। उसने 1 दिन काम किया, मेरे को जो लगा था वैसे ही था। वो बहुत ऑपरचुनिस था मॉडल्स के पीछे, एक्टर्स के पीछे, मतलब वो गलत रीज़न है फोटोग्राफर बनने का। वो वापस कैलकटा गया और वहाँ जाके सबको बोले कि मैं डब्बू का असिस्टेंट हूँ, और वहाँ पे काम शुरू कर दिया। तो लोग बहुत मिसयूज करते हैं। सही बात है, करा 1 दिन भी काम नहीं, बट उसने नाम के सहारे अपना काम चालू कर दिया। सर आपने 1999 में अपना एनुअल कैलेंडर शूट स्टार्ट किया था। जी, वो आपका फर्स्ट कैलेंडर शूट था, तो आइडिया कैसे आया सर आपको? 2000 आ रहा था 99 में, दिसंबर में पूरी दुनिया खाली एक बात कर रही थी, Y2K, मतलब ईयर 2000 का जो नया मिलेनियम शुरू होने वाला है। मैंने सोचा कि अभी व्हाट बेटर वे, अगर कैलेंडर की बात करते हैं और साल की बात करते हैं तो डेट्स उसके साथ जुड़ जाते हैं, सो आई सेड लेट्स सेलिब्रेट विद अ कैलेंडर। तो मैंने एक्चुअली जब ये सोचा था 2000 का कैलेंडर के लिए, मैंने सोचा एक बार करेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 25 साल कंटिन्यू करूंगा वो कैलेंडर। फर्स्ट कैलेंडर मैंने क्या किया, दिसंबर में मैंने आई जस्ट टुक आउट 12 फोटोज जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के मैंने शूट किए थे, और मैंने एक डिज़ाइन बना, मेरे कंपनी एड एजेंसी के जिससे मैं शूट करता था, उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया और मैंने 1000 कॉपी प्रिंट किए। वो दिन मैं बहुत नया था, मतलब आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि क्या होगा ये कैलेंडर से, इतना सोचा भी नहीं था आगे चल के मैं इतने सालों करेंगे। तो जो 1000 कॉपी प्रिंट हुए थे, मैंने ऐसे मेरी गाड़ी में पीछे रख के मैं 1000 लोगों के घर पे गया हूँ डिलीवर करने खुद। और जब भी मैं रोज बाहर जाता था शूट पे, आज टाउन में शूट है तो ऑन द वे बैक मैं 20-25-30 डिलीवरी करके आता था। तो फर्स्ट कैलेंडर जो शूट किया था वो 2000 में शूट किया, 2001 के लिए, और उसके बाद ये ट्रेंड बन गया। फिर 2004 में मैंने एक्चुअल फर्स्ट कैलेंडर को रिलीज़ किया मीडिया के आगे। जो भी मेरा कैलेंडर का गोल था कि मुझे इसको कमर्शियल नहीं करना है, क्योंकि मेरे को हर साल लोग बताते हैं कि मुझे स्पॉन्सर करने दो, मुझे आई पे यू इतना, मेरा नाम लिख दो कैलेंडर पे। मैंने लेफ्ट क्रोर्स ऑफ रुपीस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये आपका क्रिएटिव था। हाँ, ये क्रिएटिव जब आप कमर्शियल एंगल कोई भी आर्ट में डाल देते हो, राइट तो फिर वो उसका मजा ही नहीं रहता, मजा नहीं रहता उसका, फील नहीं है ना, उसका वजन है फिर वो चीज। बिल्कुल। तो और सेकंडली एक्टर्स जो भी इतने सालों से मेरे पास, आई थिंक 600 से ज्यादा फोटोज की हमने सब फ्री में कर रहे हैं, हाउ कैन आई मेक मनी ऑन इट? माय रिलेशन एंड माय कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। क्या बात है सर, मुझे एक चीज जानना है सर, अगर डब्बू रत्नानी नहीं होते तो क्या होते, मतलब अगर फोटोग्राफर नहीं होते तो क्या होते, मतलब आपने कुछ प्लान भी ऐसा कुछ सोचा था कि मतलब मेरा कुछ प्लान भी तो होगा? तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 90s में और 80s में फोटोग्राफी इतना एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं था। अगर आप किसको बोलते हैं आई एम अ फोटोग्राफर, वो बोलता कि वो तो हॉबी होगी ना, मतलब आप मतलब प्रोफेशन क्या करते हो? फोटोग्राफी इतना रेप्यूटेड प्रोफेशन था ही नहीं। तो लकीली मॉम अग्रीड, शी सेड, आई सेड मॉम अभी आप डैड को भी कन्विंस कर दो, सो दिस इज ठीक है, दिस इज, वो बोथ अग्रीड। सो माय, बिकॉज माय डैड नीडेड हेल्प, तो मॉम जॉइन द बिजनेस, मॉम ने डैड के साथ दुकान जाना शुरू कर दिया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, के दे लेट मी गो इनटू दिस प्रोफेशन। द प्लान बी वाज टू जॉइन माय डैड, बट ड्यूरिंग माय कॉलेज इयर्स ना मुझे
म्यूजिक और डीजेइंग का बहुत शौक लग गया था क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। आप कौन से कॉलेज में थे सर? एमएमके कॉलेज। एमएमके कॉलेज में ही थे? क्या बात है। तो एमएमके कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका एल्डर ब्रदर और उसकी फैमिली सब डीजेस थे। तो जब वो डीजे करने जाता तो मैं उनके साथ जाता था असिस्ट करने उसको। माय नेक्स्ट ऑप्शन वुड हैव बीन टू बिकम अ डीजे और समथिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। आपने सबसे पहला फोटोशूट किसके साथ किया था? माय फर्स्ट बिग असाइनमेंट 93 में था, जब मैं संजय गुप्ता एक पिक्चर बना रहे थे आतिश। दे वर गोइंग टू मॉरिशियस फॉर 40 डेज। तो मॉरिशियस जा रहे हो, मैंने कभी आई नेवर गॉन अब्रॉड, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है। एंड सेकेंडली, अगर आप प्रोड्यूसर को कन्विंस करो कि मैं फ्री में आऊँगा ये 40 दिन, तो इट्स ए गुड आइडिया, पर आपको विजय सिप्पी बुला रहे हैं मिलने के लिए। तो आपने अप्रोच किया था कि आपको वो टाइम पे आया था? नहीं, संजय गुप्ता प्लान बना था, जैसे दोस्त है ना, सब अतुल और सब दोस्ती में उन्होंने वो प्लान बना था कि अब जा रहे हैं ये शूट करने। ओके। तो वही मेरे स्पॉन्टेनियसली मैंने बोल दिया कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। एंड फिल्म सेट पे अगर 40 दिन इफ आई स्पेंड नॉन स्टॉप, मुझे लर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगा। आई वॉज लाइक 19 ईयर्स ओल्ड समथिंग एट दैट टाइम। सच में? हां, जब मैं सुमित को ज्वाइन किया, मैं 16 साल का था। तो आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। सुमित से नहीं नहीं आया, हाउ कैन आई, अभी क्या, सुमित भी मेरे साथ 3 साल इतना यूज टू हो गया था एज एन असिस्टेंट के, बोला अरे 3 साल के बाद तुम बोल रहे कि तुम 40 दिन के लिए चले जाओगे, मैं कैसे फंक्शन करूंगा, यू कांट गो। ऐसा सुमित, ये मेरी लाइफ टाइम का चांस है, प्लीज़। सो मैंने विजय से भी कन्विंस किया, फिर मैंने सुमित को कन्विंस किया, मेरा पासपोर्ट बना है। And the same night I have flown to Mauritius. मतलब वो आपका first international trip भी था? हाँ, क्योंकि मुझे वो time में passport नहीं था। I mean, you know, and उन्होंने सिप्पी साहब ने passport बनवाया मेरा। वो 40 days में बहुत सीखने को मिला। And then I met Sanjay Dutt, and उनके साथ मैंने वहाँ photo shoots किए थे। और as a child, मैं I was a big fan of Sanjay Dutt. तो मेरा first बड़ा assignment संजय दत्त के साथ, आई कांट एक्सप्लेन टू यू, मेरे पास स्क्रैप बुक्स हुए करते थे उसके, संजय दत्त के फोटोज के साथ। मैंने संजू को बाद में बताया, अभी मैंने, यू नो, आई वाज आफ्टर वी बिकेम फ्रेंड्स एंड लाइक ही ट्रीट्स मी लाइक अ यंगर ब्रदर। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन था स्कूल डेज में, आपके फोटोज का मेरे 3-4 स्क्रैप बुक बनाए थे मैंने। तो एंड देन आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड having lunch, having a drink with Sanju, I couldn't believe it. So I used to work for free. मतलब जो 4 साल सुमित के साथ मैंने काम किया, वो आपने free में किया काम? हाँ, बिल्कुल। 6 महीने के बाद जब मैं उनके साथ रहा, उनको लगा कि अभी ये रुकने वाला है सुमित, तो उसने मुझे 500 रुपया शुरू किया देने के लिए। ओके। क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट था वो कवर थोड़ा हो जाता था। तो 4 साल के बाद ऑल्सो मैं, जो मेरा सैलरी था 1500 रुपये मिलता था, एंड सडनली आई वॉज गेटिंग मूवीज which were offering me 30,000 rupees. वो टाइम पे बहुत बड़ा फिगर था। सर, आपका जो बॉन्ड है ना, जितने भी आपने सेलेब्स के साथ में शूट किया, जितने ही मैंने BTS देखा जब से आपने BTS स्टार्ट किया, ऐसा फील होता है कि मतलब आपकी फैमिली है वो, आपका बॉन्ड इतना अच्छा है सबके साथ में। मेरा लाइक सर ना, जो रिलेशन है, जब से वी हैड किड्स, तो मैं मायरा को शूट पे ले जाता था, जब से वो बेबी थी वो मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी, तीनों बच्चे यंग एज से मेरे साथ स्टूडियो आते थे, जहाँ भी पॉसिबल होता था वो आके शूट देखते थे। और वो लाइक शाहरुख से भी इतना फ्रेंडली थी, उसके मेकअप मैन और उसके हेयर ड्रेसर से भी उतना ही फ्रेंडली थी। मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने आपको वही शूट पे भी बोला था, मुझे याद है। और मेरी चाह है सर उनको देखने की, मैंने कभी देखा नहीं उन्हें आज तक, और हमेशा उन्हें सुना है, हमेशा उन्हें फॉलो किया है, वो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। आई सॉ हिम ओनली, मुझे लगा कि उसका, इसकी एनर्जी अलग है, इसका वाइब भी अलग है। और वो शूट पे अपना इनपुट देते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप टेल यू, अभी भी देखो आप शाहरुख को, और फर्स्ट शूट जब मैंने उनके साथ किया था वो सेम है। मैं फर्स्ट टाइम, आई विल टेल यू दैट स्टोरी, आई रिमेम्बर मैं स्टारडस्ट के लिए शूट कर रहा था, और स्टारडस्ट ने बोला कि ही इज शूटिंग एट फिल्म सिटी। शाहरुख वैन में था, तो लंच टाइम, तो ही वॉज टेकिंग अ ब्रेक, लंच खा के वो बाहर है, तो सो इसे कहाँ करना है, क्या करना है, तो सर आउटडोर में, मैं बोलते हैं वाइट जिप्सी थी मेरी, ऐसे मैंने कि बॉनेट पे आ गए, मैंने उसको बोला आप ऐसे पोज करोगे ना, तो जो ये जो वाइट बॉनेट है आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा, एंड वी विल शूट इट ओवर देयर। सो ही वॉज वेरी न्यू, एंड ही डबू बता ना कैसे पोज करते हैं, तो ये लिटरली मैं उस तरफ बुला के बोला ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। सो यू सिंह, आप जो भी करोगे मैं उसको ही कॉपी करूँगा।
तो मैंने उसको poses दिखाए हैं, मैंने उसका shoot किया है and finally actually वो ऐसे ही poses दिए थे जो मैंने उसको दिखाए. पर अभी भी आप अगर last shoot भी किया था ना, वो बोलेगा डबू क्या कर रहे हैं, you know, like same जैसे कि first day के shoot का. मीन्स इतने सालों के बाद, इतने हजारों photo shoot करने के बाद, तो भी ही एंड वो जब भी वो कभी मॉनिटर पे आके देखते भी नहीं है. इट्स सो डाउन. जितना बड़ा स्टार है ना, आई थिंक उतना ईजी हम लोग को होते हैं अप्रोच करने के लिए. जितने आई थिंक मुश्किल नहीं होती है, वो टोटली ट्रस्ट करते हैं मिस्टर बच्चन, शाहरुख, ऋतिक. एंड एज अ फोटोग्राफर हम लेंस के पीछे से देखते हैं, तो यू नो के किस तरह से उनका बिहेवियर, किस तरह से कौन अच्छा फोटोग्राफ करेगा. जैसे मैंने ऋतिक का फर्स्ट पोर्टफोलियो पहली बार जब ही शूट किया था, आई डिडंट नो ही इज राकेश रोशन सन, उसने बताया नहीं मुझे सच में. हाँ, और वो आया शूट पे एंड मैं उससे मिला, बात कर रहा था, ये वो, ऐसे वेरी कूल गाय, नाइस लुकिंग. बट द मिनट द कैमरा केम ऑन एंड मैंने लेंस के थ्रू देखा उसे ना, ऐसे मैन सुपरस्टार. ऋतिक को देखा मैंने लेंस के थ्रू, जिस तरह से मूव कर रहा है, जिस तरह से एटीट्यूड. मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो शूट किए पर ही वॉज लाइक, इसने स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिया सबका. सी फिर क्या है, वी के इफ इट्स शाहरुख और इफ इट्स दीपिका और इट्स ही कैन, दे कैन नॉट बिकम बेस्ट फ्रेंड्स विद एवरीबडी. पॉसिबल ही नहीं है. राइट सर. तो अगर कोई समझो कि कोई एड एजेंसी का क्रिएटिव डायरेक्टर है समझो एग्जाम्पल, एंड उसके साथ अगर वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ, वो जाके आगे जाके किसको बोल देगा कि अरे उसके एटीट्यूड है, इतना डिफिकल्ट है डील करना, ये वो. अरे बट वो आपका दोस्त नहीं है वो, आप मतलब आप काम से काम रखो ना, मतलब right. अभी भी मैं जब भी इंटरव्यूज करता हूँ लोगों को कि कौन सा एक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा एटीट्यूड देता है, ऐसे कोई नहीं देता. बिकॉज फॉर मी दे आर लाइक माई फ्रेंड्स ना, दे आर माई फ्रेंड्स. इट्स लाइक दे विल, I don't give attitude, I don't get attitude. I mean, it's like हमारा ऐसा ही है कि आपका friend zone है, आपका vibe अच्छा है, तो सामने वाला भी आपको अच्छी vibe दे रहा है. पर वो मैं misuse नहीं करता. सर आप हर साल आपका calendar shoot आता है जी, अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ. बट सर आपने पिछले साल जो किया वो सब डिजिटल सेलिब्रिटीज के साथ में किया, डिजिटल आर्टिस्ट के साथ में किया, तो सर आपको थॉट कैसा आया डिजिटल का? तो क्रिएटर्स के साथ शूट करना काफ़ी टाइम से मुझे आइडिया था, मुझे प्लान करना था, और फिर फाइनली हमने मिस मालिनी के साथ ऐसे कोलैबोरेट करके ये कैलेंडर बनाया. सर जो अलग अलग जो आपने थीम सेट किया था वो आपका ही मतलब? जी पूरा मतलब जी, आपने तो ही सोचा था? तो हम शूट के पहले लोकेशन पे रखी, जैसे मैंने कैरी का देखा था उसका आपने स्वान के साथ में किया था. जी जी. देखा जाएगा तो आपने सारे सेलिब्रिटीज के साथ में तो शूट किया मोस्टली. जी मोस्टली. बट मैं तो मेरे हिसाब से सारे ही, मैंने तो सभी देख लिया आपके प्रोफाइल पे. बट कोई बचा है? थोड़े न्यू कमर्स के अभी बाकी है, आई थिंक अभी ये साल में और नेक्स्ट 1-2 इयर्स में हां हम प्लान करेंगे. कोई फनी इंसिडेंट कोई एक्टर के साथ में? मिस्टर बच्चन के साथ काफी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग है. और बच्चन सर का पर वो क्या है कि जब हम इनिशियल सालों में, पहले 1-2 साल में जब हमने उनके साथ शूट किए, तो मुझे बहुत डर था क्योंकि यू आर शूटिंग द लेजेंड और उनको अब कैसे शहनशाह. हाँ बिल्कुल, शहनशाह को ये 18-19-20 साल का बच्चा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऐसे मुझे ऑड लग रहा था. सो आई विल फिक्स इट अप एंड कॉल यू. सो ही कॉल्ड मी सेड दैट बोल रहे हैं कि कल आ सकते हो. सर ऑफ कोर्स आ सकता हूँ. टेल मी ठीक है, लंच टाइम पे कमालिस्तान स्टूडियो. And he said, "What do you want me to wear?" So I said, "My God, Amitabh Bachchan is asking me, what should I wear?" So I said, "Sir, ये grey suit है, ये tie है, ये white shirt है, and at the bottom, don't want you wear anything." I said, "No, sir." So he was trying to like you know, थोड़ा सा being little strict ऐसे. I said, "No, he said, relax, relax. I'm just joking." If it's only this much, मैं नीचे पजामा ही पहनूंगा. ऐसा no problem. जो भी कर रहे हैं no problem. तो उन्होंने ऊपर सूट पहना, नीचे पजामा शूट कर रहे हैं. बिल्कुल. और जब मैं लोड कर रहा था, मैंने ऊपर देखा तो एक वहाँ जैगवार खड़ी थी. Okay. So I said, sir, next shot can we do it standing next to the jaguar? So he said no. I said, can I ask you why? It's not mine. I won't stand next to. मेरी गाड़ी नहीं है. Oh. So I said, ठीक है, no problem. I said. ठीक है, मैं बैठ गया नीचे, ऐसे सारे लोडिंग, नेक्स्ट रोल से उठा तो जैगवार के सामने खड़े हैं. जैगवार के ऊपर बैठ गए, एकदम चिल आउट है ऐसे. वैसे अच्छा, ये ट्राइंग टू जस्ट स्ट्रेस मी आउट. आपका कोई फेवरेट फोटोशूट जो आपको हमेशा याद रहेगा? आई थिंक आतिश का जो मेन, जो फर्स्ट
शूट था मेरा जो संजय दत्त का, हमने वो दिन इंडिपेंडेंस डे था मॉरिशस का, मॉरिशस का इंडिपेंडेंस डे था. संजू सेड नाउ टुमारो वी कांट शूट क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, इट्स अ हॉलीडे, तो मॉर्निंग वी विल गो फॉर फिशिंग, डीप सी फिशिंग. तो बोट पे बैठ के, यॉट पे बैठ के हम वहाँ जाएंगे. एंड डबू, ये रात की बात है, वी वर पार्टिंग लेट नाइट. डबू टुमारो मॉर्निंग कैमरा जरूर लेके आना, यू विल गेट योर बेस्ट शॉट्स ऑफ योर लाइफ. सो आई सेड रे बाप रे, पानी में लेके जाऊँ? अभी डीप सी फिशिंग सुनते हैं तो लग रहा है कि पानी में कैमरा मेरा पूरा भीग जाएगा उधर. हाँ. कैसे लेके जाऊँ मैं? हाँ. नया कैमरा खरीद के अब भी मैं गया हूँ मॉरिशस. हाँ. ये स्केड्यूल के लिए. सो मॉर्निंग मैंने सोचा कि पहले तो अभी 3 बजे हैं, 5-6 बजे. हाँ. जाने वाले हैं, संजू तो आएगा ही नहीं पहली बात. हाँ. सुबह 5:30 बजे. हाँ. रिसेप्शन से फोन आया, संजू इज डाउनस्टेयर्स, इज कॉलिंग यू. सो ऐसे बाप रे, इज रियली कम. तो तैयार होके भागे भागे नीचे, गाड़ी में बैठे, डब्स वेयर योर कैमरा बैग? वैसे नहीं नहीं मैं नहीं लाया क्योंकि पानी में भीग भीग जाएगा. वो गाड़ी से उतरा है, मेरे हाथ पकड़ के मेरे को रूम में लेके गया, खुद उसने बैग उठा के गाड़ी में आके लोड किया. और जब वो जो शॉट्स मिले मुझे बोट पे, बॉडी रिप्ड एकदम, सनग्लासेस में पूरा सी का रिफ्लेक्शन और पूरे इतने लंबे बाल थे, उड़ रहे हैं, माई गॉड, मेरा करियर लॉन्च उस फोटो से. और लोग वो फिल्म देखने गए हैं कि ये सीन कभी आता है पिक्चर में. अच्छा. वो था ही नहीं पिक्चर में, वो तो फिशिंग ट्रिप का फोटो था. ये कुछ रूमर्स है जो फैंस का कहना है और हम लोगों ने अपने तरफ से कुछ लिख के लाया है. हमने सुना है कि आपका नेक्स्ट फोटो शूट में मिस्टर फैसू इज कंफर्म सेलिब्रिटी. यस, वी विल प्लान अ शूट, डेफिनेटली. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. वैसे तो मैंने रूमर खुद लिखवाया था. नहीं, पर मुझे आपका शूट बहुत अच्छा लगा था एंड हमने एक ही बार शूट किया. वी मस्ट डेफिनेटली प्लान अनदर अमेजिंग शूट. सर, हमने सुना है कि आप हर साल ईयरली कैलेंडर शूट जो करते हो वो खुद के घर के कैलेंडर के लिए करते हो. वो मेरे खुद के क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ. सर, ये थर्ड रूमर है. हमने सुना है कि आप शाहरुख खान को फिल्म में आने से पहले से जानते हो. हमारा करियर साथ में ही शुरू हुआ है एंड वी हैव ग्रोन टुगेदर इन द इंडस्ट्री, सो आई एम थैंकफुल. जी, आप हर फोटोशूट के लाखों चार्ज करते हैं हर सेलिब्रिटीज के साथ, ये सच है? थोड़ा बहुत सच है, बट मैं सेलिब्रिटीज को चार्ज नहीं करता. जब हम कोई ब्रांड के लिए शूट करते हैं तो ब्रांड, जो ब्रांड है वो पे करता है. और जब मैं सेलिब्रिटीज का पर्सनल शूट करता हूँ मैं वो फ्री में करता हूँ. सर, दो डेयर चैलेंज है. तो ये दो डेयर है, आप बताइए, आप अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज. सर, आप बहुत सीनियर है, मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि आपको डेयर करना पड़ेगा. बाकी मैं शो में सबके साथ में डेयर कंपलसरी करवाते ही. सर, यू हैव 30 सेकंड, प्लीज डू अ फोटोशूट फ्रॉम योर फोन. ओके, डन, लेट्स डू इट. कम, आर यू रेडी? रेडी सर. चिन डाउन थोड़ा सा, टिल ये, नाइस. अरे, टू गुड, टू गुड. वी हैव टू डू आवर नेक्स्ट शूट, इज ऑलरेडी डन. गाइस, शूट हो चुका है, सर ने एक डेयर कंप्लीट कर लिया. सेकंड डेयर ये है. व्हाट अ सीक्रेट यू हैव नेवर टोल्ड एनीवन, रिवील दैट on my show. I told like thing I never told anybody is that mere paas Sanjay Dutt ka ek scrapbook hua karta tha jab main school mein tha. Bachpan se koi actor ko follow kar rahe ho, itna zyada pasand karte the ki scrapbook mein aap unki photos rakh rahe ho. So I feel that he treats me like a brother. Wo mujhe abhi bhi phone karte hain, bolte hain ki aap aa jao, main aapko Dubai mein, abhi wo unki family Dubai mein, aap Dubai mein aapko main logo ko introduce karunga, aap wahan bhi ek naya setup kar dijiye, wahan pe bhi aap मुझे प्लान है कि दुबई में आई फील दैट इट्स अ मार्केट जो एक्सप्लोर हुआ नहीं है. पहले मैं बांद्रा में रहता था. किधर? बांद्रा में, बांद्रा ईस्ट में. अच्छा. फिर मैं शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होके मैं गोरेगांव आ गया क्योंकि जहाँ मैं रहता था पहले बांद्रा ईस्ट में. हाँ. वो थोड़ा सा बांद्रा के पीछे का हिस्सा था. अच्छा. मतलब बांद्रा ईस्ट था वो. हाँ. और वो थोड़ा मेरे को सूट नहीं करता था जगह. हाँ. तो फिर उसके बाद में मैंने शिफ्ट हो गया वहाँ से. तो मैं भी पहले बांद्रा ही रहता था. बांद्रा में? हाँ, बांद्रा में मैं पेरी क्रॉस रोड पे. अच्छा. कार्टर रोड के पास, रिजवी कॉलेज के पास. हाँ, काफी पास. मेरा कॉलेज था सर, रिजवी कॉलेज. तो पहले मैं वहाँ रहता था, फिर खार शिफ्ट हुए, फिर लोखंड वाला शिफ्ट हुआ, फिर अभी यहाँ आ गया.
तो अभी परमानेंट हो यहाँ पे? अभी परमानेंट। यार